बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के देखिए एक बार फिर से फरमानों को देखते हुए शिक्षकों में खलबली सी मच गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। लगातार अपने सख्त आदेश को लेकर जाने जाने वाले बिहार के सख्त आईएएस अधिकारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने एक बार फिर से अपना एक नया फरमान जारी कर दिया है, जिसके बाद तमाम बिहार के अनेक जगहों के शिक्षकों में खलबली सी मच गई है। ऐसे में तमाम शिक्षक जो है काफी परेशान है और प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो आदेश है के पाठक का, वो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए, बिहार के सरकारी स्कूलों को देखते हुए स्कूलों के समय को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ शिक्षक एवं अभिभावक सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक के स्कूल टाइम का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एसीएस के पाठक के शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी किया है, जिससे शिक्षकों में खलबली सी मच गई है। इसके मुताबिक शिक्षकों को अब तय समय से पहले यानी सुबह 6 बजे से पहले ही स्कूल में पहुंचकर अपनी ड्यूटी शुरू कर देनी होगी। उन्हें 6 बजे से पहले किसी भी हालत में सेल्फी क्लिक कर अपलोड करना होगा। सभी जो देखा जाए शिक्षक जो है सेल्फी क्लिक कर अपलोड करेंगे तभी उनकी अटेंडेंस मान्य होगी, 6 बजे के बाद की सेल्फी मान्य नहीं होगी। बता दें आपको कि जिस तरीके से खबरें आ रही है इसको देखते हुए रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संबंध में विभिन्न जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने अपने स्तर पर स्कूलों को निर्देश जारी कर कहीं ना कहीं तमाम बातें कही है, तो वहीं निर्देश जारी करना शुरू कर दिया है। ऐसे में शिक्षकों को स्कूल पहुंचकर हाजिरी रजिस्टर में हस्ताक्षर करने होंगे, इसके बाद रजिस्टर का फोटो लेना होगा, फिर शिक्षकों का ग्रुप जो है फोटो भी लिया जाएगा। यह काम जो है रियल टाइम नोट कैंप ऐप से किया जाएगा ताकि उसमें फोटो लेने का समय भी अंकित हो सके। इन तमाम बिंदुओं पर जो है ध्यान रखा गया है, कोई भी शिक्षक इधर उधर ना करे। इन सभी काम में देखा जाए तो 10 से 15 मिनट का समय लगता है। ऐसे में शिक्षकों को सुबह 5:45 ही देखा जाए, देखते हुए 5:45 पर ही देखा जाए तो स्कूल पहुंचना होगा। अगर स्कूल नहीं पहुंचते हैं उनका अटेंडेंस मान्य नहीं होगा। ऐसे में शिक्षक अपने जो निरीक्षकों हैं उसको देखते हुए उनको देखते हुए फोटो भेजेंगे और वहां से जिला शिक्षा पदाधिकारी को फॉरवर्ड किए जाएंगे। तय समय पर फोटो नहीं लिए जाने पर शिक्षकों की अटेंडेंस मान्य नहीं होगी, ऐसे में उनके खिलाफ वेतन कटौती की कार्रवाई हो सकती है। दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश पर शिक्षकों की समय से उपस्थिति को लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है। अब तक शिक्षकों को सुबह 6:10 तक स्कूल में ग्रुप फोटो खींचकर आला अधिकारियों को भेजे जाने की छूट जो है वो दी गई थी ऐसे में, मगर अब उन्हें सुबह 6 बजे से पहले ही यह काम करना होगा। बता दें कि गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए उसके बाद खुले स्कूलों को विभाग ने सुबह 6 बजे से संचालित करने का फैसला लिया था। इसके बाद से के पाठक की नई स्कूली टाइमिंग का विरोध हो रहा है, तो वहीं शिक्षकों का कहना है कि उन्हें सुबह 3 बजे उठकर ही अपने दिनचर्या शुरू करना पड़ता है और ऐसे में देखा जाए तो वे हड़बड़ी में स्कूल पहुंच रहे हैं, जिससे हादसे की संभावना भी बनी रहती है। साथ ही नींद पूरी नहीं होने पर स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। ऐसे में बच्चे भी इस टाइमिंग से परेशान है। अभिभावकों ने भी स्कूल के समय में बदलाव करने की मांग की है। भीषण गर्मी बच्चे बिना कहीं ना कहीं सही से नाश्ता किए हड़बड़ी में स्कूल पहुंच रहे हैं, जिससे उनकी तबीयत खराब हो रही है। कई जगहों से बच्चों के बेहोश होकर स्कूल में गिरने की खबरें आई है। तो बता दें आपको कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के फरमान के बाद शिक्षकों में खलबली सी मच गई है। ऐसे में के पाठक ने जिस तरीके से फरमान जारी कर दिया है उसके बाद इसका भारी विरोध हो रहा है, और फरमान जो है वो कहीं ना कहीं स्कूली टाइमिंग का है, 6 बजे तो था ही, अब जाकर उससे ही पहले 5:45 कर दिया गया है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देखें तो हमारे पेज को लाइक फॉलो कर ले। अगर वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कैमरे के पीछे हमारे सहयोग विकास है, बहुत बहुत धन्यवाद।